नेक्स्ट टॉपिक लिखो एक बार जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। हमने ऑब्जर्व किया था पहले वाले केस में कि कंडक्टिंग हो तो जीरो होगा, नॉन कंडक्टिंग तो भी जीरो होगा भाई, सेल में होलो में कर लोगे। अगर कंडक्टिंग सॉलिड हो तो, कंडक्टिंग सॉलिड हो तो भी तब भी जीरो होगा, बताऊंगा इसका एक आगे रीजन आएगा एक पॉइंट पे आगे, ठीक है। पहले हम किसका कर लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग का करते हैं। तो तीन केस इसके बनने वाले हैं भाई, तीन केस कौन कौन से थे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड। क्योंकि हमारा पहला इनसाइड का जीरो था तो उसी पॉइंट को पहले लेके चल पड़ते हैं, इनसाइड का केस कर लेते हैं पहले वाला। कर लोगे, लिख लीजिए, लिखिए वी हैव ए बंदा कौन तू, हाँ भाई क्या का ट्रैक्टर है तुम्हें, लिखिए भाई, लिखो वी हैव ए सॉलिड स्फीयर, वी हैव ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग है भाई, मेटल्स का नहीं है, ठीक है भाई। वी हैव ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तीन केस वही करने हैं, सिंपल से तीन केस हैं। पहला पॉइंट डालिएगा, व्हेन पी लाई इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, व्हेन पी लाई इनसाइड द स्फीयर, ये केस क्या था याद है आपको, आर इज लेस देन आर वी, यस आर नो, आर इज लेस देन आर। तो हमारे पास एक स्फीयर है अभी, सॉलिड स्फीयर, अब सोच के देखो, आपके पास एक बॉल है जो अंदर से भरी पड़ी है अभी, पूरी सॉलिड बॉल हमारे पास, उसको चार्ज दिया मैंने अभी, ठीक है, अब अंदर से भरी है अभी कम्प्लीटली, क्या पॉसिबिलिटी है कि चार्ज सब सरफेस पे रहेगा, अभी कुछ चार्ज अंदर भी जा सकता है उसके, ठीक है, सब सरफेस में जाएगा चार्ज क्या करेगा, अंदर भी जाएगा बॉडी के, कर पाओगे। पहले गैस में अंदर क्यों नहीं गया, अंदर से खाली थी अभी, हवा था अंदर, तो अभी अंदर से पूरा भरा है, तो हो सकता है कुछ चार्ज क्या करे, अंदर ही पहुंच जाए, तो पक्की बात है अंदर फील्ड का वैल्यू जीरो तो नहीं होगा, सही है। तो इसका रेडियस कितना मान लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये रेडियस आर, और आपका पी पॉइंट यहाँ पे, एनी पॉइंट पी ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर भी, कर लोगे। तरीका वही रहेगा, क्या इमेजिन करेंगे, एक स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा, गॉसियन स्फीयर, हमने क्या इमेजिन किया, एक स्फीयर, इस स्फीयर का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा भी, और एक छोटा सा एलिमेंट भी होगा, डीएस इज द एरिया एलिमेंट भी, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा भाई, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यस आर नो। और जो ये आपका पूरा स्फीयर था, इसका मैंने चार्ज किया हुआ था, चार्ज से फिरा ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया मान लेते इसको मैंने, तो लाइंस भी कैसे निकल रही होंगी, बाहर निकल रही होंगी यहाँ से, यस आर नो। अगर इसको नेगेटिव करो तो क्या होगा, अंदर आ जाएंगे, एंगल कितना बन जाएगा, 180 का, पर कितना पड़ेगा, माइनस का साइन आएगा बस, बातें नहीं। अब देखिए यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं, ई वी, डायग्राम बनाओ भी एक बार ना लिया, तो इसका पहला केस करते हैं भैया। अब एक चीज़ देखिए भाई, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ इस पॉइंट को भी, यहाँ से ऑब्जर्व करें, एक चीज़ तो ये है कि जो चार्ज क्यू है वो पूरे सरफेस पे है अभी, एक बार लिख लीजिए, इसी में लिख देते हैं, वी हैव ए स्फीयर, वी हैव ए सॉलिड स्फीयर, वी हैव ए सॉलिड स्फीयर हैविंग प्लस क्यू चार्ज भी, हैविंग प्लस क्यू चार्ज, ओके। अब एक प्रॉब्लम है इसका, देखो क्या प्रॉब्लम है, जो चार्ज आपने ऊपर दिया सरफेस पे वो तो प्लस क्यू था भी, अब क्या पता कितना चार्ज ऊपर बचा और कितना अंदर चला गया, अभी मेरे को पता ही नहीं है, इनसाइड चार्ज क्या मेरे को पता नहीं है, निकालना पड़ेगा भाई। दूसरी बात क्या है, ये जो थ्योरम लगती है ना आपको, आपको याद होना चाहिए, ये ई डॉट डी एस था भी, याद है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी, ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नहीं है, सिंपल है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी,
जब हम जीरो लगाते हैं तो हम एयर की बात करते हैं, वैक्यूम की बात करते हैं, अंदर तो सॉलिड है भाई, तो चेंज करना पड़ेगा इसको मेरे को। उसके लिए क्या करते हैं, मीडियम बना लेते हैं इसके लिए। यस सर नो, दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो प्रॉब्लम क्या है कि अंदर चार्ज कितना मेरे को पता नहीं चल रहा अभी, दूसरी बात है अंदर हवा नहीं है अभी, एयर वैक्यूम नहीं है, मीडियम है अभी, तो उसके लिए एप्साइलॉन यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे, एप्साइलॉन्स। कर पाओगे? तो पहला केस तो ये रहेगा कि चार्ज निकाले कैसे अंदर का भी, तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम भी, अप्लाई तो कर लें एक बार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता ना भाई। प्रॉब्लम क्या है, मीडियम नहीं है, सॉरी अंदर हवा नहीं है, तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, एप्साइलन। दूसरी बात क्या है, चार्ज जो आपको दिया हो चार्ज नहीं है, कोई और चार्ज है अभी, इट इज क्यू डैश चार्ज, निकालना पड़ेगा चार्ज की, तो मैंने पूरे को दिया ना, हम तो अंदर का कुछ सेक्शन निकाल रहे हैं बस, छोटा सा सेक्शन। ओके, तो कैसे निकालोगे क्यू डैश की वैल्यू, बताओ मेरे को एक बार पहले। तो देखिए आप लोगों ने जो चार्ज प्लस क्यू चार्ज दिया है ना, वो पूरे स्फीयर पे है अभी, इनसाइड आउटसाइड सारा, यस आर नो। तुम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पेयर का वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, पूरे वॉल्यूम पे तो है, यस आर नो। तो कैसे निकालोगे कि जो मेरा पूरे स्फीयर पे चार्ज है क्यू, कितना स्फीयर है, वॉल्यूम कितना स्फीयर का, 4/3 πr³ पे चार्ज कितना है क्यू, 1 पे कितना होगा q/4/3 πr³ भी, और हमें निकालना है इस स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो कितना वॉल्यूम स्फीयर का भी, 4/3 πr³ भी, यही ना, कितना वैल्यू q डैश मान ले, q/4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³, सही लिखा है भाई, बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q डैश, कुछ कट रहा है, कितना बचा q r³ by r³ भी, क्या सही लिखा ने, समझ में आया भाई, पूरे पे निकाल लिया पर छोटे पे निकाल लो, गुणा में कर देते हैं उसको साथ में, ये इस तरह के हम करते हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी, यस सर ना, कर पाओगे। इसका एक तरीका और भी है, अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी हो डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, सही है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बोलता है, कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पे आया हुआ है, निकाल लो भाई, वॉल्यूम को सही यूज़ कर लो, डायरेक्ट गियर यूज़ कर लो, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, क्यू डैश की इंटू सिग्मा, सिग्मा था ना, हाँ रो था, सॉरी रो इंटू 4/3 πr³ हो जाएगा, अगर दे रखा हो तो, नहीं दे रखा तो ये तरीका भी कर लोगे भी। तो इस फार्मूले में पुट करें वैल्यूज भी, कितना बनेगा देखना, इस फार्मूले में देखा तो इनके बीच में एंगल कितना है ई और डी एस में भी, जीरो एंगल है, cos जीरो, क्यू डैश कितना वैल्यू क्यू डैश का भी, q r³ by εr³ भी, क्या सही लिखा है, ये समझ में आया भाई, क्यों लिखा मैंने एप्साइलॉन नोट क्यों लिखा, कई बुक में नोट लिखा होता है भाई, गलत है, एप्साइलॉन आएगा, मीडियम है यहाँ पे, हवा नहीं है अभी, कर लोगे, यहाँ तक समझ में आया भाई, हमको ई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ, इसको रब कर दूं, ई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन से ई को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, डी एस इज इक्वल टू कितना, q r³ by εr³ भी, डी एस क्या था अभी, डी एस था स्मॉल एरिया, किस स्फीयर का, छोटे का कि बड़े का यूज़ कर रहे हैं लोग, छोटे का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एरिया भी उसी का होगा, कंप्लीट एरिया भी, कितने एरिया है छोटे का, 4π r³ भी, आर स्क्वेयर, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, यही होता होगा 4π r² इज इक्वल टू q r³ εr³ भी, तो ई का वैल्यू कितना होगा अभी, q r³ by 4π r² εr³
आर थ्री वी काट दे, तो ई का वैल्यू कितना होगा यहाँ से देखो, क्यू आर एक पावर से कट गया, फोर पाई एप्साइलोन आर थ्री वी, क्या मैंने सही लिखा भाई? सही है कि नहीं है? अब इसमें एक चीज़ देखिए, क्यू कांस्टेंट है चार्ज दो सफियर में, आर कांस्टेंट नहीं है बदल रहा है, ठीक है, फोर पाई सारा कांस्टेंट है भाई, ये किसके लिए कांस्टेंट है? मीडियम के लिए कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ ई प्रोपोर्शनल टू आर भी, ये सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा भाई, इसके हिसाब से कर पाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका पहला पॉइंट पूरा हो गया भाई, इनसाइड द स्फीयर क्या होगा भाई? अरे बता दो, सेकंड पॉइंट क्या डाले? लिखिए सेकंड पॉइंट, व्हेन पी लाई ऑन द सरफेस पे, अगर पी कहाँ पे हो? सरफेस पे होगी, सरफेस पे होगा तो क्या होगा? आर और आर बराबर हो जाएंगे, यस सर नो? सरफेस पे होगा तो आर और आर की वैल्यू क्या होगी? बराबर, पुट कर दो वैल्यू डायरेक्ट, कितना आएगा ई का वैल्यू भी? क्यू आर डिवाइड बाई फोर पाई एप्साइलोन आर थ्री, सही है? तो कितना होगा, एक आर से एक आर काट दें, कितना होगा? क्यू बाई फोर पाई एप्साइलोन आर स्क्वायर, फोर पाई एप्साइलोन आर स्क्वायर, क्योंकि पिछले केस में मैंने किया था वॉल्यूम निकाला था कि पहले केस में सिर्फ सरफेस था भाई, अंदर की वैल्यू जीरो थी, इसका वॉल्यूम है तो यूज़ कर ले वॉल्यूम चार डेंसिटी को, सफियर ही तो है, ठीक है, मान लेते हैं भाई, लेट रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पहले मैं सरफेस यूज़ किया था, इसमें वॉल्यूम क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? इनसाइड वाला भी यूज़ किया जा रहा है इसका भी, चार्ज में चार्ज अंदर ही पहुँच रहा है अभी, पहले मैं सिर्फ कहाँ पे था चार्ज? सरफेस पे था भाई, इसलिए क्या यूज़ किया था? सरफेस चार्ज डेंसिटी, कर लोगे? व्हाट इज रो? रो क्या होता भाई? कितना चार्ज, कितने वॉल्यूम पे आया हुआ, वॉल्यूम कितना भाई? फोर बाई थ्री पाई आर थ्री भी, फोर बाई थ्री पाई आर थ्री, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? फोर बाई थ्री पाई आर थ्री रो, सही है? बस यहाँ पर रख दो चार्ज का वैल्यू, तो ई का वैल्यू कितना होगा अभी? ई इज इक्वल टू आर क्यूब आएगा अभी, ठीक है, कितना वैल्यू होगा? फोर बाई थ्री पाई आर थ्री रो डिवाइड बाई फोर पाई एप्साइलोन आर स्क्वायर भी, सही है? आर थ्री वहाँ पे भी आर स्क्वायर, जो कट रहा काट दीजिए अभी, कितना वैल्यू बचेगा अभी बताओ? पाई से पाई, फोर से फोर, वन बाई थ्री, ऊपर क्या बचा? आर रो डिवाइड बाई थ्री एप्साइलन, यही होगा? अरे चेक कर लो, बता दो क्या ये वैल्यू कांस्टेंट होगी? रेडियस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है डेंसिटी थ्री एप्साइलन मीडियम के लिए कांस्टेंट, इसका भी आंसर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा भाई, हो जाएगा अभी, ये था अभी ऑन द सरफेस, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी अभी इसकी भी, ओके? अगर बाहर हो तो सेम केस बनेगा जो मैंने पहले किया हुआ, हम उसको करवाएंगे नहीं भी, उसका डायरेक्ट आंसर लिखवाएंगे, लिख लीजिए थर्ड पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट है व्हेन पी लाई आउटसाइड द स्फीयर भी,
बार वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। आउटसाइड कैसे करोगे? ये सफियर है रेडियस आर का, पी पॉइंट यहाँ पे है, इमेजिन करोगे सफियर को, वही केस बनने वाला सेम भी। ठीक है, इसका कितना आंसर आया था क्लास? जब आर बड़ा हो आर से भी, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्साइलोन आर स्क्वायर। चेक करो एक बार, इससे पहले वाले केस में देखो, पहला उसका पहला केस यही था, आउटसाइड द स्फीयर, ये आएगा सेम इसमें भी, क्योंकि इसका फील्ड वही है। हाँ, बाहर मीडियम है, हवा है बाहर, अंदर की बात में सिर्फ क्या आएगा, एप्साइलन आएगा, मीडियम नहीं है वहाँ पे। कर लोगे? तो इसको लिखा गया था इस तरह से, ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर भी, याद है, ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, सेम केस है भाई। ओके, अगर तीनों का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? तीनों केस का ग्राफ देखिए, यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे है डिस्टेंस आर। पहला केस ये था कि जब आर इक्वल टू आर लिया मैंने, उस टाइम मैक्सिमम वैल्यू आई थी भी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आर रो बाई थ्री एप्साइलन, ये रहा। ठीक है, इसका पॉइंट कौन सा आएगा? ये वाला, कर लोगे? बतने, यहाँ पे आर बड़ा था आर से, और यहाँ पे आर छोटा है आर से भी, ये वाला केस कौन सा था भाई क्लास? इनसाइड द स्फीयर, इसमें केस क्या था? ई प्रोपोर्शनल टू आर था भाई, देख लो, ई प्रोपोर्शनल टू आर, जितना आर बढ़ाओगे ई बढ़ेगा भाई। तो ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन भी, ई प्रोपोर्शनल टू आर भी, जितना आर बढ़ेगा उतना ही ई बढ़ेगा भी। ठीक है, और सेकंड केस का करो होना चाहिए भी, ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। पहले केस में भी ये था, ये इन टर्म ऑफ पावर घटेगा भी, अगर एक लिया है नेक्स्ट टाइम टू लेंगे तो फोर टाइम कम हो जाएगा, थ्री लेंगे तो नाइन टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका ग्राफ। यस भाई, क्लास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज भी, एक चार्ज सीट होगी आपके पास, उसकी वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे है? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी भाई, बहुत ऑब्वियस है भाई, लिख दे यूनिफॉर्म, नहीं लिखा था लिखे यूनिफॉर्म बस। फिर तो हमारे पास एक चार्ज सीट है अभी क्लास, ये सीट मान लेते हैं, इस पे मैंने प्लस चार्ज दिया अभी, एक पेज देना अभी क्लास, पेज दो, रफ पेज दे दो, कोई भी रफ 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 रहे, फिर ये ब्लैंक पेज कौन दे रहा है यार, सारे पढ़ोगे पेज। देखिए अभी क्लास, बातें नहीं, अब देखो हमारे पास एक चार्ज सीट है भाई, एक सीट होगी, इसको चार्ज कर दिया गया, तो चार्ज क्या होगा? पूरे सरफेस पे आ जाएगा, दोनों तरफ भी, इस तरफ भी आएगा और इस तरफ भी आएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखा गया है सीट को भी, आपको मान लेते हैं यहाँ पे निकालना होगी इस पॉइंट पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इस सीट से बाहर अभी, इसमें ये ओपन सरफेस में, यस सर नो? तो क्या तरीका होता करने का? हमें क्लोज सरफेस करना पड़ेगा भाई, गॉजियन सरफेस मानना पड़ेगा, यस है ना? तो क्या कैसे माने बताओ भाई, हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं सभी में ये देखा है कि जो बॉडी की शेप उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप माना था हम लोगों ने वायर के लिए, स्फीयर माना था पॉइंट चार्जेस के लिए, स्फीयर के लिए माना था, इसके लिए कैसे माने? इसके लिए एक सीट और मान लें, प्रॉब्लम क्या है? ये एक सीट होगी, ये एक सीट होगी, अभी भी ओपन सरफेस है भाई, दो सीट होगी, यस आर नो? ये तो ठीक नहीं है। क्यूब मान ले, क्यूब मान सकते हैं, क्यूब में प्रॉब्लम क्या होगा? छह फेस होंगे, छह बार क्वेश्चन करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से भी, और आसान करते हैं,
बताओ, ये मान ले भाई, देखो आपको इस पॉइंट पे निकालना है, इस सीट से यार पर एक पेन पास कर दे, ऐसा लगेगा कि पेन के इस सेक्शन पे आया हुआ ये पॉइंट, यस सर नो। अगर आप ऑब्जर्व करो ना कि यहाँ से एक पेन डाल दो इसमें आर पर, तो ये जो आपका पी पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके एरिया क्रॉस सेक्शन पे आ जाएगा, मोटाई पे भी, ठीक है। और ये पूरी सीट से पास कर रहा है अभी, ऑफ एरिया डी एस मान लें, कितना एरिया है डी एस स्मॉल एलिमेंट्स भी, और ये इससे पास कर रहा है सीट से, ठीक है भाई। क्या अब ये जो P पॉइंट है जो आउटसाइड द सीट के, क्या इस पे आ चुका है बाउंड्रीज के ऊपर भी, सरफेसेस के ऊपर आ चुका है। अब देखिए जो सीट है, पॉजिटिव सीट आप यूज़ कर रहे हो, इस पे इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है अभी, तो इस तरफ लाइन कैसे देगा, इस तरफ लाइन जाएंगी पॉजिटिव, इस तरफ लाइन आएंगी पॉजिटिव भी, यस सर नो। अगर आप फ्लक्स की बात करते हो तो फ्लक्स कैसे निकालोगे बताओ, आपके पास ये एक सिलेंडर की तरह अभी अरेंजमेंट है अभी, अगर आपने ये सरफेस यूज़ किया अभी, स्मॉल एलिमेंट का सरफेस यूज़ किया डी एस, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस भी, ये डी एस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के अकॉर्डिंग क्या, ये तो ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, अगर इस तरफ होगा तब भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, इस तरफ होगा तब भी क्या बनेगा 90 डिग्री, यानी इस पूरे सरफेस के ऊपर फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यस और नो। सेम नीचे कर सकते हो, नीचे डी एस क्या होगा, नीचे होगा फील्ड, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा फील्ड भी, अभी भी एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री, यानी करोड़ सरफेस एरियाज के ऊपर नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच गया कौन, इसकी मोटाई बच गई भी, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ये वाला सेक्शंस, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा भाई, ऐसे होगा, यस और नो। फील्ड क्या पे होगा, ऐसे, इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, इस तरफ डी एस, फील्ड वेक्टर कहाँ पे होगा इसका, ऐसे। तो दो ही चीज़ बची हुई है, लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, यस और नो। तो दो जगह पे बचा हुआ है जहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू नॉन जीरो हो सकती है, बाकी तो क्या है, जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया अभी, तो आपको सिर्फ दो पॉइंटों पे करना है। इंटीग्रेशन किसका करते हैं हम लोग, एन चीज़ों का, हमको पता है दो हैं, दोनों को जोड़ दो सिंपल डायरेक्ट में, यस और नो, बाकी तो क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, डायग्राम बनाओ ये वाला भी, डस्ट देना, डस्ट कहाँ गया, ये सीट है, सीट के आर पार हमने पेन निकाला हुआ है, तो पेन की जो मोटाई है वही सीट को क्रॉस करेगी, डी एस मान लेता, मान रखा हम लोगों ने इसको, देख लीजिए, वी हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज सीट, वी हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड सीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी यूज कर लेंगे, कितना सीट है, क्योंकि हमने तो क्या यूज़ किया, इनफाइनाइट सीट यूज़ किया हुआ है, कर लोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी। अब ये जो पॉइंट है आपका पी पॉइंट मान लेते हैं इसको, लिख लीजिए पी इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो अभी सीट के अकॉर्डिंग जो लाइन्स आ रही हैं, यहाँ से लाइन इस तरफ जाएंगी, यहाँ से लाइन इस तरफ जाएंगी भी, ठीक है। इस कंडीशंस के लिए अगर फ्लक्स की बात करें, डी एस एरिया है भाई, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, ऐसा, इसके लिए भी,
डी एस वैक्टर यहाँ पे होगा, ये डी एस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इसके लिए, ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बीच में कोई और भी ले लेते हैं एक पॉइंट्स, ये डी एस मान लेते हैं अभी। डी एस यहाँ पे होगा एरिया वैक्टर, सही लिखा मैंने अभी। और इस कंडीशन के लिए लाइन्स क्या डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा अभी। कितने एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। आपको पता है कि 90 डिग्री पे फ्लक्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, सही है। यानी पूरे क्राउड सरफेस एरियाज के ऊपर क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। लिख सकते हो, लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो ऑन द क्राउड सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो ऑन द क्राउड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर, भी ऑफ गॉसियन सिलेंडर, क्राउड सरफेस एरिया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। किसके भी गॉसियन सिलेंडर, ये सिलेंडर इमेजिन करना पड़ा हमको, भी कर लोगे पी पॉइंट पे निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक क्या लिखवा था भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, भी गॉसियन सिलेंडर इज जीरो। ये सिलेंडर मैंने माना है भाई एरिया क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू गॉज लॉ, भी अकॉर्डिंग टू गॉज लॉ। गॉज लॉ क्या बोलता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, भी ठीक है। तो कहाँ कहाँ फ्लक्स बचा हुआ है, भी बस आपको वही चेक करना है। सरफेसिस के ऊपर जो सिलेंडर का सरफेसिस था उसका तो जीरो हो गया अभी कंप्लीट। बचा कहाँ, सिर्फ दो जगह बचा हुआ है भाई, एक यहाँ बचा हुआ है एक यहाँ बचा हुआ है। तो दो को डायरेक्ट लिख दूँ भी, इंटेंशन क्या होता, जोड़ना ही होता है, दो को जोड़ना आपकी बार मेरे को। दो कैसे जोड़ेगा बताओ, कितना आएगा, ई डी एस कॉस जीरो भी एक का, यस सर नो, एक का कितना आएगा, ई डी एस कॉस जीरो, दो हो तो दो करते क्या जीरो होगा, या बोलो इस तरफ है एक इस तरफ है, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती नहीं उसके भी। समझ में आ रहा है, बस जोड़ना है, कर पाओगे? ऐसा नहीं है कि इस तरफ जा रहे हैं ये पॉजिटिव ले लेंगे, इस तरफ ले लेंगे नेगेटिव, डायरेक्शन नहीं है भाई। फ्लक्स क्या होता है, स्केलर होता है। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल ऐड किया हम लोगों ने, ई डी एस कॉस जीरो इज इक्वल टू किसके भी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने सोल्व कर दिया है कम्प्लीट, यही दो आंसर बचा हुआ है इसके पास, हो जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है, वन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सरफेस और डेंसिटी को भी यूज़ कर लेते हैं, मैंने क्या माना था इसको, लेट सिग्मा क्या था भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, कितना चार्ज कितने एरिया पे इनक्लोज किया गया है, यही है ना। कौन सा एरिया यूज़ कर रहे हैं सीट का हम लोग, इस चार्ज के सिर्फ डीएस यूज़ कर रहे हैं अभी, इतना चार्ज तो इनक्लोज है एरिया में, सही है कि नहीं है। तो क्या लिखोगे, कितना चार्ज कितने एरिया पे, डीएस एरिया पे। फार्मूला होता है भाई चार्ज बट एरिया, सही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, सिग्मा इनटू डीएस, भी सिग्मा इनटू डीएस, सही है। अरे बता दो, ये रब करते हैं डायग्राम पे, हो गया सभी का। तो क्या वैल्यू आया, देखिए 2 ई डी एस इज इक्वल टू चार्ज क्या भाई, सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस से डी एस काट दूँ तो ई का वैल्यू कितना हुआ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सीट वी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे? केस क्या बन सकता है बताओ,
फिर भी सोच बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस क्या बनेगा, या तो उस तरफ रख दो या इस तरफ रख दो, एक ही बात दोनों में। उस पर तो क्या रहना है, सिलेंडर पर तो क्या रहना है, जीरो ही रहना है एक पॉइंट पर। ठीक है, कर लोगे अभी? बस सीटी यही था क्वेश्चन भी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एक छोटा सा पार्ट भी दे रखा है बकवाड़ों ने, अगर आपके पास मोर देन वन सीट होंगे, 2, 3, 4, 5, तो कैसे निकालोगे नेट फील्ड, कैसे निकालोगे वहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक भी। हो गया अभी इतना? यस भी, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टू थिन चार्ज सीट भी, दो सीट है अभी। देखो इसमें अलग कंडीशन हो सकती हैं, दोनों लाइक हो सकती हैं, लाइक हो सकती हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हमको एक एग्जांपल कर लेंगे, उसी जैसा सेकंड एग्जांपल भी होगा अभी। ठीक है, मैं कराऊंगा सेकंड, आपको करना होगा अभी। तो कैसे करोगे, देखिए हमारे पास दो सीट है अभी, एक चार सीट ये, और ये भी मान लेते हैं कि दोनों की डेंसिटी भी अलग है अभी, चार्ज लेने की कैपेसिटी अलग है। तो इसका डेंसिटी कितना मान लेते हैं, सिग्मा वन मान लेते हैं, इसका कितना है सिग्मा टू। पहला कंडीशन ये ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज किए हैं। ठीक है, दोनों किसके हैं, पॉजिटिव चार्ज। और ये भी मान लेते हैं दोनों का एरिया भी सेम है, सिंपल सिटी ले ले बिल्कुल इसको, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात का, एरिया अलग भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में आपके पास तीन पॉइंट बन सकते हैं भाई। आपको यहाँ पर निकालना हो इस एरिया में कितना फील्ड है, बीच में निकालना हो और इस तरफ निकालना हो, तीन सेक्शन बनेंगे प्लस। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे निकालना है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। ठीक है, देखो वी हैव टू इनफाइनाइट, वी हैव टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म, वी हैव टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज सीट having surface charge density, sigma 1 and sigma 2, दो है भाई, sigma 1 और sigma 2 में। एक बार इसको डायग्राम ढंग से देखिए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तीन जगह पे आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट, तीन केस बन सकते हैं इसके। अब इस केस में देखो, फर्स्ट सेक्शन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ से आ रही है, यहाँ से E1 वाली आ रही है, क्या E2 वाली किस तरफ आ रही है, ये भी आ रही है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, E2 भी मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये E2 किसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है सेकेंड वाले, कर पाओगे सेम यहाँ पे, और इससे इस तरफ आ रही है और इसका इस तरफ से आ रहा है, कर पाओगे भाई। इस सेक्शन में सेक्शन 3 के अंदर इसकी लाइन ऐसे जा रही है, सेकंड सीट की ये मान लेते हैं E1 की तो आ रही है इस तरफ, ये कौन सा है। अब एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन से अलग हो रही है, कुछ इस तरफ जा रही है कुछ उस तरफ जा रही है, तो कुछ को प्लस कुछ को माइनस करना पड़ेगा डायरेक्शन देने के लिए, यस और नो। हम मान लेते हैं अगर लाइन से लेफ्ट से राइट पे जा रही है तो पॉजिटिव होंगी, और राइट से लेफ्ट पे जा रही है वही तो मानना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं कि इसमें मोस्टली मानते हैं जीरो की तरफ क्या मानते हैं सारे, पॉजिटिव इस तरफ वाले क्या मानते हैं, सही है कि नहीं। तो डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, देख लीजिए, देखो देखो फ्रॉम कन्वेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, taken as positive from left to right,
अगर हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। सेकंड पॉइंट डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन व्हेन इट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर हम राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं तो क्या लेंगे उसको, नेगेटिव लेंगे। सही है, दो पॉइंट यूज कर लेते हैं। इसके तीन सेक्शन बन रहे हैं। अब हम तो पहले टॉपिक किया था कि अगर सिंगल सीट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सिंगल सीट के लिए, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यही था कि नहीं था? तो कितना होगा ई वन का वैल्यू, कितना होगा ई वन, ई वन इसका सीट का मान लेते कितना आएगा, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सही है, ई टू कितना होगा सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों सीट का अलग निकाल लिया। पहले कितना है सिग्मा बाई टू, सिग्मा वन इसके लिए, सिग्मा टू इसके लिए। सही है कि नहीं? तो आपके पास रीजन दो है, तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकेंड और थर्ड, इनके हिसाब से कितना वैल्यू होगा नेट का, कैसे निकालोगे उसका? तो पहले कर लेते हैं, ये हो गया कितना हो गया, यस सर देखो देखिए, फर्स्ट है फोर रीजन, फर्स्ट रीजन के लिए करते हैं। फर्स्ट रीजन कौन सा है, ये वाला। अब इसमें देखिए E1 और E2 प्लस किलो की माइनस किलो दोनों किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लेते हैं उसके लिए माइनस कर लेते हैं। तो नेट कितना होगा वैल्यू, ऐड ही तो करना है, E1 प्लस E2 ऐड कैसे करना है, दोनों ही नेगेटिव के, यस और नो, कैसे कैसे लें इसकी वैल्यू, माइनस सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन, दोनों ही क्या है नेगेटिव, ये स्पेशल तो यहाँ पे सब सही है, ई वन ई टू क्या दोनों नेगेटिव, इस पर मान रहे हम क्या वैल्यूज नेगेटिव। सही है, तो कॉमन क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, ये किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट रीजन के लिए कर रहे हैं, इसको E फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट रीजन के लिए, माइनस कॉमन निकाल लिया, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, क्या बचा सिग्मा वन प्लस सिग्मा, ये वैल्यू होगी यहाँ पे, के लिए जो आंसर हमारे हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट डाले, ऐड करो जल्दी से, हो गया। करते रहो पेस्ट, देखो जल्दी करो, देखिए सेकंड भाई फॉर रीजन टू के लिए करते हैं, रीजन टू में चेक करो, रीजन टू ये है ई वन प्लस का लो कि माइनस का लो, इस तरफ जा रहा है प्लस का ई टू माइनस, तो नेट कितना होगा जीरो, ई वन तो प्लस का हो गया अभी, प्लस ई टू किसका होगा माइनस। सही है, पुटिंग द वैल्यूज भी, ई वन की वैल्यू कितनी थी, ई वन की थी सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सही लिखा मैंने, बराबर होगा जीरो हो जाएगा। सही है कि नहीं, मैंने प्रॉपरली नहीं रखी ना, तो कितना आएगा ई टू की वैल्यू सेकेंड रीजन के लिए, क्या कॉमन निकाल लें भाई, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू आंसर हो गया। अगर वैल्यू बराबर है सिग्मा वन सिग्मा टू की तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रीजन थर्ड के लिए करें, सेकेंड रीजन हो गया भाई,
थर्ड में चेक करो एक बार जल्दी से, ई वन ई टू प्लस के ही माइनस के, दोनों प्लस हो जाए, समझ में आ रहा है? देखिए फोर रीजन थ्री, थर्ड रीजन के लिए चेक करते हैं, ई थ्री ले लेते हैं, दोनों ही वैल्यू प्लस की होंगी क्योंकि हम लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं उस कंडीशन के लिए। सिग्मा वन बाई टू एप्साइलन नॉट प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्साइलन नॉट कॉमन क्या रहा भाई, वन बाई टू एप्साइलन नॉट कॉमन है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, इट इज फोर रीजन।